वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एक मिस्ट शेयर कर रही हूँ। ये है बोटोक्स फेस मिस्ट फ्रेंड्स, और ये फेस मिस्ट बहुत ही अच्छा है। ये DIY है, मैंने इसको बनाया है घर पर। फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा है कि आपकी स्किन को ना बहुत ही अच्छा कर देगा, आपकी स्किन को रिजुविनेट कर देगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देगा। आपकी स्किन पे ना कोई भी प्रॉब्लम है, एक्ने तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। और आप लोग चाहते हो आपको ग्लास स्किन चाहिए तो फ्रेंड्स उसका भी ये बहुत आपकी स्किन में इतना ग्लो आ जाएगा। आप इसको एक बार डेफिनेटली बनाकर देखिएगा। एक बार क्या, आप बार बार इसको बनाओगे, ये इतना इफेक्टिव है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इसको मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको यूज़ करना है। यूज़ तो आप लोग सभी जानते हो कि फेस को वॉश करने के बाद यूज़ करना होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको बना लोगे ना, और हाँ, तीन वीडियो बोटॉक्स पर आएंगे। बोटॉक्स पूरा जो सीरीज है, तीन वीडियोस इसके मैं शेयर करूंगी। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो ये तीनों ही वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप भूल जाओगे पार्लर जाना। ये इतना इफेक्टिव है फ्रेंड्स, और मैंने ये सेकेंड बार बनाया है। मैं एक बार और भी बना चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है फ्रेंड्स, और इतना अमेजिंग काम करता है ना, आपकी स्किन को इतना हेल्दी एंड ग्लोइंग और बहुत ही अच्छा बना देता है। आप इसको हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप रोज़ रोज़ स्लीवलेस वगैरह पहनते हो तो आप हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी यहाँ की जो स्किन है, अगर ब्लैक हो गई है तो वो भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूदिंग कर देगा, आपकी स्किन को ग्लो आ जाएगा और जो बहुत ब्राइट अप कर देगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाया है मैंने, कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने लिया है आरओ का वाटर, और आरओ वाला ही वाटर लेना है मैंने। इसमें जो मैं बॉटल में ले रही हूँ स्प्रे बॉटल से, उसी के नाप से मैंने इसमें वाटर ले लिया है। और अब मैं डालूँगी, जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा पानी, तब मैं इसमें डालूँगी। ये 3 से 4 रोज़ वाटर, रोज़ फ्लावर है, और ये मैंने धुल के रखे थे, वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैं, जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे, इनका कलर थोड़ा फेड हो जाएगा, बिल्कुल आपको दिखेगा फेड वैसा हो जाए, उसके बाद ही आप इसमें थोड़ा सा इसको ढक दीजिएगा। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हिबिस्कस पाउडर। अगर आपके पास हिबिस्कस पाउडर नहीं है तो आपको हिबिस्कस फ्लावर मिल जाए, यानी कि गुड़हल का फूल, तो आप वो भी इसमें ट्राई कर डाल सकते हो। तो आप इसको ढक कर रख दीजिएगा जब तक ये ठंडा हो जाए। जब अच्छे से बॉयल हो जाने के बाद ही इसमें हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो डालना है। और इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, क्योंकि कम हो जाता है जब मैं बॉयल कर रही थी। तो फिर इसमें ना इसको अच्छे से बॉईल हो जाने दीजिए। बॉईल हो जाने के बाद ही आप इसमें हिबिस्कस वाला फ्लावर ऐड करिएगा। 2 फ्लावर काफ़ी होंगे, तो आप इतना ही यूज़ कर सकते हो। फिर बताती हूँ आपको किस तरह से, और इसको ढक कर ही रखिएगा आप। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो मैंने फ्लावर ऐड किए थे वो कितने फेड हो गए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें हिबिस्कस का जो पाउडर है वो, और ये मैंने लिया है एल्प्स गुडनेस का। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हो। वैसे एल्प्स गुडनेस का बहुत अच्छा होता है हिबिस्कस का जो पाउडर है, तो मैं इसमें थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ। 1/2 स्पून करीब मैंने इसमें डाला होगा, तो बस उतना ही डालना है। और इसको आप ढक कर रख दीजिएगा, और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको कुछ और इसमें ऐड करना है। तो मैं बताऊँगी इसमें आपको और क्या ऐड करना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये हो गया है, तो मैं इसको ढक कर रख रही हूँ, और ढक देना है आपको। आप देख सकते हो फ्रेंड, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, ये जो मैंने पानी बनाया है, ये वाटर तैयार हो गया है। तो मैं आप इसको छान लूँगी, बस ये 15 दिन के लिए ही बना रही हूँ फ्रेंड, तो आप प्लीज़ 15 डेज के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने ये ले लिया है बॉटल, और अब मैं इसके बाद इसमें डाल रही हूँ एसेंशियल ऑयल, और ये एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर वाला। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा एसेंशियल ऑयल है, आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, आपकी स्किन पर अगर एक्ने हैं तो वो भी ट्रीट करता है। तो आप इसको सेक करके ही इसमें यूज़ करिएगा, और ये बोटॉक्स मिस्ट है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पर। एक बार इसको बनाकर देखिएगा, और आपकी स्किन, मैं बता रही हूँ, ग्लास स्किन ना हो जाए तो बोलिएगा, ग्लास स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो जाएगी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लिसरिन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप
ग्लिसरीन को थोड़ा ही डालिए, मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा ही ऐड करूँगी, इतना ऐड कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो इससे थोड़ा सा और कम डाल सकते हो, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो। तो आप देख सकते हो कि मैंने दोनों ही चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं। और इसमें मैं नेक्स्ट डालूंगी लेमन, ड्राई स्किन वाले लेमन को स्किप कर दें, अगर ऑयली स्किन है तो आप लेमन को ज़्यादा डाल सकते हो, ड्राई स्किन है तो लेमन को स्किप कर दीजिए आप, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसे, तो मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो मुझे ये चल जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इसी के मेजरमेंट से मैंने ये बॉटर बनाया था, तो ये देख सकते हो आप कितना बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स। और हाँ, इसको आप ना डेली सुबह शाम जब भी आप फेस को वॉश करते हो ना, ये बोटॉक्स मिस्ट आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इफेक्ट करेगा आपके फेस को और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी एंड मिरर, जैसे कि बोलते हैं ना कि कोरियन स्किन, तो वैसा ही आपकी स्किन पर ये काम करेगा फ्रेंड्स। आप सारे ये बस इतना ही बनाना है मुझे, इतना ही चाहिए था। और आप इसको फ्रिज में रखिए, फ्रिज में रखोगे तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा काम करेगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो, और इसको जब भी लगाए ना तभी आप इसको शेक करिए और इस तरह से, और ये बहुत ही अच्छे से ये देखिए आप देख सकते हो, और इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल डाला है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर वाला, अगर आपके पास लेवेंडर नहीं है तो कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो आप, लेकिन मेरे पास ये इस तरह के एसेंशियल ऑयल्स बहुत सारे हैं क्योंकि मैंने एक साथ मंगा लिए थे इस वजह से। लेकिन ये आपको ना फ्रिज में ही रखना है, फ्रिज में रखोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी ये बन जाता है। सिर्फ ये 15 डेज के लिए बनाया है मैंने, इसका ही मेज़रमेंट करके सिर्फ बॉटर को यूज़ किया है। और हाँ, आपको जो आप आरओ का पानी पीते हो ना वही यूज़ करना है, आपको वैसा जो आप सप्लाई वाला जो पानी आता है वो वाला यूज़ नहीं करना है, आपको आरओ का पानी ही यूज़ करना है इसके लिए। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने ये बनाया तो आप लोगों को कितना हेल्पफुल लगा। और हाँ, ये सारे ही चीज़ें आप भूल जाओगे, कोई भी सारे मिस्ट भूल जाओगे, मार्केट वाले भी और जो आपने रोज़ वाटर वाला बनाया वो भी। तो इसमें मैंने रोज़ वाटर भी ऐड किया है क्योंकि आपकी स्किन का पीएच लेवल भी बेस्ट रहेगा और अच्छा ही रहेगा, और आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल जो ऐड किया है ना, तो आपको मैं इसका लिंक भी दे दूंगी, आप अगर परचेस करना चाहें तो कर सकते हो। और मैंने जो हिबिस्कस पाउडर इसमें यूज़ किया है मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी आप बाय कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। फ्रेंड्स ये इतना इफेक्टिव है, इतना अमेजिंग है फ्रेंड्स कि मैं 3 वीडियोज़ लेकर आऊँगी, तीनों ही वीडियो आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो डेफिनेटली चेकआउट करते रहिएगा और मेरी वीडियोस देखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग जाए, जो कि बहुत ज़्यादा फेशियल वगैरह कराते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आ जाएगा और उसको भी आप हिट कर सकते हो, जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकअप कर सकते हो, आपसे मिस नहीं होंगे मेरे न्यू वीडियोस, तो सबसे पहले आप ही देख पाओगे। तो फ्रेंड्स ये इतना अच्छा, और सारे ही वीडियोस आप पूरा वीडियो देखा करिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या आपसे बोल रही हूँ, किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह से आपको ये देखिए मैं आपको फेस पर डालकर दिखाती हूँ। और हाँ, आप इसको हमेशा फ्रिज में ही रखिएगा, 15 डेज के लिए इनफ है। और जब भी आप इसको यूज़ करिए तो पहले इसको शेक कर लीजिए, वैसे तो इसमें कोई भी शेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लोगे ना तो जो मैंने ग्लिसरीन वगैरह ऐड की है, इसमें ऑयल ऐड किया है, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और आप इसको फेस पर इस तरह से डाल सकते हो। तो देखिए, आपको सेटिंग स्प्रे भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सेटिंग स्प्रे की जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं दिखाती हूँ, देख सकते हो, हेड पर भी दिखा देती हूँ। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना फ्रेंड्स,
बहुत अच्छी आ रही है और मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें ही बना लिया है, यूज़ कर ली इसका भी, क्योंकि मैं इन सारी बॉटल्स को रख लेती हूँ जब भी, क्योंकि स्प्रे बॉटल होती है तो क्यों परचेस करना है जब ये स्प्रे बॉटल घर पर ही पड़ी होती है। तो फ्रेंड्स हाँ, अगर आप लोग सच में बोल रही हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना, तो तीनों वीडियो देखिएगा और तीनों को ही मैं आपके लिए इतनी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आप तो कोई भी फेशियल नहीं करवाओगे, सिर्फ ये फेशियल करोगे और फेशियल भी लेकर आऊँगी और भी चीज़ लेकर आऊँगी। तीन वीडियोज आएंगे इसके, देखती हूँ कब आते हैं, बट हाँ तीनों ही सीरीज में लेकर आऊंगी, तीन सीरीज में आएगा, क्योंकि अगर एक बार में ही बना देती ना तो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, बाय।